लगता है कि ह्यूमैन की सारी ताकत चली गई, अब तो उसे भगवान ही बचा सकता है। भगवान, मेरे कद्दू को तूने कोई औलाद नहीं दी तो उसने खुद ही बना ली, लेकिन उसने ऐसा तो चैलेंज करने के लिए नहीं बल्कि एक माँ की सुनी गोद भरने के लिए किया है। प्लीज गॉड, प्लीज 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 प्लीज। माना कि तूने उसे नहीं बनाया है, पर ये नहीं मान सकती कि तू उसे बचा भी नहीं सकता। उसे बचा ले भगवान, वरना एक माँ का विश्वास तुझ पर से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मेरी पावर को खत्म कर रही है, इससे निकलने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। मम्मी जी, यस, चमत्कार हो गया, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। ओ मम्मी जी, चमत्कार हो गया, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। मम्मी जी, पापा आप जीनियस हैं। नहीं हो सकता ये, हो चुका है बड़े, तू हार गया है। हारा मैं नहीं हूं, हारा वो है छोटे, क्योंकि मिस्टर रेक्स हारता नहीं, हराता है। और मेरे मच्छरों को चैलेंज करके उसने मेरे अहम को ललकारा है। अब तू देख कैसे मैं पूरे मुंबई को बर्बाद करता हूँ। कोई नहीं बचेगा छोटे, कोई नहीं बचेगा। टेलीपोर्ट मी टू द लैब प्लीज। अग्रवाल जी, सर एक बार। क्या बात है? क्योंकि बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ। अग्रवाल अंकल, आप तो कमाल निकले। अरे आप लोग कैसी बात करते हो भाई, ये तो मेरा फर्ज था नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे अग्रवाल साहब, क्या फर्ज था? आपको पता नहीं आपने कर कर के कितना बड़ा काम किया है। अरे इस शहर को डूब डूब के डूबने से बचाया है आपने। आपको पता है कितने सारे मत... शिमला मिर्ची, बाप की तारीफ करती रहेगी या बेटे की भी तारीफ करेगी? हाँ बेटे की? अरे यो बहन भी तो बेटे जैसे हुआ ना। अरे कद्दू, उसकी हाइट और यारों की हाइट एकदम सेम टू सेम है ना शिमला मिर्ची? हाँ हाइट तो दोनों की बिल्कुल सेम है। अरे मम्मी जी आप भी कमाल करती हैं। अरे हाइट सेम है तो मतलब ये थोड़ी हुआ कि ह्यूमन मेरा बेटा हो गया। अब लेकिन वो है कहाँ? उसने अपनी जान पे खेल के पूरे शहर को बचाया है। मैं उसको थैंक यू भी नहीं बोल पाया हूँ नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। ए ह्यूमन, I'm sorry. बहुत जोर से लगा था यार। Overacting. I know. Sorry. It's okay, Amar. एक मिनट। आज तुम्हारी वजह से सब लोग अपनी नेचुरल हंसी हंस रहे हैं। नाइट्रोजन तो लेकर हाइड्रोजन तक। अरे काहे का नेचुरल हंसी? अरे अभी तक जो हमारे साथ शो हो रहा था उसका क्या? अरे ह्यूमन, इनका कुछ करो, ये बहुत परेशान रहते हैं। अरे गोगी जी, ये परेशान रहे तो ही अच्छा है। अगर ये ठीक हो गए ना तो दूसरों को परेशान करना शुरू कर देंगे नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक।
अरे नहीं नहीं अग्रवाल साहब, ऐसा मत बोलिए। अरे नहीं नहीं गोगी जी, मजाक कर रहा हूँ मैं। वैसे यूमेन, ये पूरे शहर में हसरिया का क्या असर हो रहा है लोगों पर, इसके इलाज के बारे में हमें सोचना होगा। बिल्कुल सोचना होगा मिस्टर अग्रवाल, आप सोचते रहिए, तब तक मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं यूमेन, पहले तुम ना हमारी हंसी रुकवा, उसके बाद फिर जाओ। चतुर्वेदी जी, मुझे जाना होगा, मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे हम भी पहले तुम्हारे साथ चलेंगे, हमको भी ले जाओ। आप यूमेन के साथ जाना चाहते हैं? Are you sure? पक्का। Let's go. अरे चतुर्वेदी जी, कहाँ जा रहे हो? अरे यूमेन चतुर्वेदी जी को लेके जाना, हमको भी लेके चलो साथ में। वापस मत लाना। मुझे पूरा विश्वास है कि यूमेन चतुर्वेदी को वापस लाए या ना लाए, लेकिन हसेरिया का इलाज जरूर ढूंढ के लाएगा, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अग्रवाल साहब, यारो कहाँ है? कब से गया हुआ है, अब तक आके वापस ही नहीं आया। आजकल तो दिखता ही नहीं है, उससे ज्यादा तो मुझे यूमेन दिख जाता है। मम्मी जी, कहाँ है यारो? मेरे मस्किटोस को डिस्ट्रॉय करके क्या समझता है वो, कि उसने मिस्टर एक्स को हरा दिया है? उसे शायद ये नहीं पता, मैं जब चाहूं जितने चाहूं उतने मस्किटोस क्रिएट कर सकता हूं। जब बना ही ले रहे हो इतने सारे मच्छर, तो झल्ला क्यों रहे हो बड़े? क्योंकि उसने मेरे ईगो को हर्ट किया है, मेरे अहम को ललकारा है छोटे, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी छोटे। पागल मत बन बड़े, तूने नोट पार्टी के नेता भाड़ेकर से पैसे लिए हैं सिर्फ लाल पुदीना पार्टी के वोटरों को इन्फेक्ट करने को। भाड़ में गई पार्टी, भाड़ में गए पैसे और भाड़ में गया भाड़ेकर। मेरे अंदर इंतकाम की आग जल रही है छोटे, जिसमें सब जलकर राख होगा, कोई नहीं बचेगा शहर में। शमशान बना दूंगा पूरे शहर को, शमशान। यूमेन के बहुत फ्रेंड्स हैं ना इस फ्रेंड कॉलोनी में, सबसे पहले इन्हीं की तबाही का मंजर देखने को मिलेगा उसे। है कहाँ आजकल, दिखाई नहीं कब से, पता नहीं कहाँ रहता आजकल। हाँ, और कब से मेरा प्रेम भी नहीं दिख रहा है। हे परवरदिगार, मेरा बिछड़ा यार मिला दे। बिचारी को देखो देखो, हे भगवान, ये प्रेम के प्यार के चक्कर में ना सूखती कांटा हो गई है ना। मम्मी जी, कितनी कमाल की बात है ना, कि इतनी सीरियस बात पे भी आपको हो के डॉली की चिंता हो रही है। अरे यारो की बात हो रही है, यारो की, पता नहीं है कहाँ। अरे कहीं होगा तो दिखाई देगा ना तुझे, मैंने उसे मार्केट भेजा है कुछ काम के लिए। मम्मी जी, आप जब देखो तब यारो को मार्केट भेजती रहती है कुछ ना कुछ लाने के लिए। लेकिन मार्केट जाता है, कुछ लाता तो है नहीं वहाँ से, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। आज तक तो लाला की कुछ भी नहीं लाया भाई गॉड। एक मिनट, जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम वो घर से निकला था यूमेन से कांटेक्ट करने के लिए, उसके बाद तो वो वापस आया ही नहीं, और उसके बाद आप भी घर से बाहर नहीं निकली हैं। अरे तू कहना क्या चाहता है कद्दू? मैं कहना ये चाहता हूँ मम्मी जी, कि जब आप यारों को मिली ही नहीं, तो आपने उसको मार्केट कैसे भेजा? वो मैंने उसे फोन किया था। अच्छा, उसका फोन तो मेरे पास है। कद्दू, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, सठिया गई हूँ मैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता आजकल।
मिली थी। रुक रुक, मुझे याद करने दे कि मैं यारों को कहाँ मिली थी। बहुत नाटक करती हैं आपकी मम्मी। अगर मेरे यारों को कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोग का ना तलाक करवा दूंगी। हाँ ए योमन भैया, हम तो नीचे उतारो, हमको बहुत डर लग रहा है। दादी कूल यारो, मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? बी हैप्पी, कूल डाउन। हाँ मतलब देखो, वो हमारा दोस्त है ना, अब हम दोस्तों को छोड़कर वो कहाँ जाएगा, यहीं कहीं घूम रहा होगा। हाँ। अरे आके आ जाएगा वापस, लेकिन अब तक तो नहीं आया ना। मम्मी जी ये लो। हेलो, यस मैडम डी। अरे बच्चनों ने फिर से सोसाइटी पर भयंकर हमला किया है। ओके, आ रहा हूँ। भैया नीचे ना उतारो, वहां बहुत से मच्छर हैं, हमको काट जाएंगे। काटे हुए को और कितना काटेंगे चतुर्वेदी जी, नीचे तो जाना ही होगा। लेट्स गो नाउ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये हो रहा है बड़े, तेरे मच्छर योमैन से टकरा कर बेमौत मर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जरूर इसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक रेज दौड़ रही है।
बॉडी में करंट वो कैसे झेल सकता है बड़े, आखिर है तो इंसान ही ना वो। तो फिर ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रिकल रेज इसकी बॉडी में नहीं तो जरूर इसके आसपास दौड़ रही है। या तो इसने मेटल का कोई गैजेट पहना हुआ है, या फिर ये खुद मेटल का। एक मच्छर का टैंक, तुम क्या जानो प्रेम बाबू? शोमैन, ये मच्छर फिर से कहां से आ गए सोसाइटी में? अरे ह्यूमन, तू क्या मेटल का बना है नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक? और दौड़ दौड़ के करंट भी दौड़ रहा है तुम्हारे अंदर। हमारे अंदर तो नहीं दौड़ रहा मम्मी जी। मतलब क्या है हा? देखना चाहते हो कि इसके अंदर क्या है हा? अरे मम्मी जी, ये जो वक्त है इसके बारे में जानने का नहीं है, ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई इसकी सोल्यूशन ढूंढने का वक्त है। भाई मैं तो बोलता हूँ कि एक मरा मच्छर अंदर लेकर आओ लैब में, मैं देखता हूँ क्या करना है इसके बारे में। ला, ला, ला। बार बार ये बच कैसे जाता है? ऑलराइट, इसे ना मार सका तो ना सही, लेकिन इसके चक्कर में बाकी का प्रोग्राम कैंसिल क्यों करूं मैं? मैं उन्हें मार डालूंगा जिनका ये रक्षक है। कोई नहीं बचेगा पूरी मुंबई में। सबको मार डालूंगा मैं, सबको। अरे कद्दू, कद्दू। ये कौन सी गोली दी आपने? योमैन, ये वही गोली है जो मैंने चतुर्वेदी को दी थी, अपने फैमिली डॉक्टर सेतवाला से लाकर। इससे बीमारी यथास्थिति बनी रहती है, ठीक तो नहीं होती पर आगे भी नहीं बढ़ती। लेकिन ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई इलाज जो कि परमानेंट हो? कद्दू, कोई परमानेंट इलाज बताना। इलाज ढूंढता हूँ। देखो यहाँ पर एक मरा हुआ मच्छर पड़ा हुआ है ना, अभी मेरा ब्लड निकालो और ब्लड सैंपल को इससे कंपेयर करो। ओके, मैं निकालता हूँ। ब्लड सैंपल निकालो और फिर दोनों को कंपेयर करो तो मालूम पड़ेगा। निकालो। अरे इसमें तो कोई जर्म या वायरस है ही नहीं। लेकिन अगर कोई वायरस या जर्म्स नहीं है तो फिर इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है? अरे जितने मच्छर है ना, हर एक के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर उस रिमोट को तोड़ दिया जाए ना तो ये सारे मच्छर मर जाएंगे और जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स लोगों की बॉडी में गए हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। तुम्हारा कहने का मतलब कि अगर रिमोट को तोड़ दिया जाए तो ये समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक ठीक हो जाएगी। लेकिन वो रिमोट मिलेगा कहाँ? मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ मिलेगा। एक बात पता है कि अगर ये रिमोट नहीं टूटा तो इस शहर के सारे लोग हंसने लगेंगे और फिर धीरे धीरे पूरे शहर में सन्नाटा छा जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में मुझे उस रिमोट को ढूंढना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।